इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। नमस्कार, मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद आज एनडीए गवर्नमेंट सरकार बनाने जा रही है और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में इस बार कई मंत्रालयों में फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ क्षेत्रीय दल और भाजपा के सहयोगी पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन किया है, उसके आधार पर उन्हें लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर हम मंत्री पद की बात करें तो टॉप चार मंत्रालय जो बीजेपी अपने पास रखने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह, नितिन गडकरी जैसे नेताओं की वापसी तय है। और ऐसे में कुछ नए चेहरे जो अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट से आए हैं, जैसे कि अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें या फिर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और साथ ही साथ जेपी नड्डा को कैबिनेट में जगह देने के बाद पार्टी आलाकमान के रूप में या पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी और को यहां पे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में अगर हम बात करें कि मंत्री पद की किसे कहां से कितने मंत्रालय मिल रहे हैं, तो इसमें बिहार में बाहर दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक अलग चुनौती बनकर उभरा और विपक्ष फिर से खड़ा हो गया बिहार में, ऐसे में इस बार बिहार को साधने के लिए बिहार में अधिक मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। जैसे कि अगर बात करें जेडीयू की, जिन्होंने इस बार 12 सांसद बिहार से जीते हैं, तो उन्हें कम से कम 3 मंत्रालय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उनके मंत्री की अगर बात करें तो संजय झा और ललन सिंह जैसे नेताओं को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम चर्चाओं का दौर चला, उसके बाद चिराग पासवान को भी मंत्रालय मिलने की उम्मीद है, साथ ही साथ जीतन राम मांझी को भी मंत्रालय दिया जा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा, जिस तरीके से अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, खासकर आंध्र प्रदेश की, जहां पर टीडीपी जो बीजेपी के सहयोगी रहे, एनडीए घटक दल के एक सहयोगी पार्टी रहे, एनडीए के घटक दल रहे, उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया विधानसभा और लोकसभा में भी, तो इसका उन्हें भी कहीं ना कहीं इनका परिणाम देखने को मिला और उनका लाभ उन्हें भी मिलता हुआ दिख रहा है। उन्हें भी 4 से 5 मंत्रालय देने की बात कही जा रही है। हालांकि जहां तक लोकसभा स्पीकर पद की बात थी, जो कहा जा रहा था कि टीडीपी ने मांग की है कि लोकसभा स्पीकर पद उन्हें दी जाए, इसको लेकर किसी भी तरह का टीडीपी का कोई सामने आधिकारिक बयान नहीं आया और कहा जा रहा है कि ऐसा टीडीपी ने नहीं मांगा था और जो स्पीकर पद है वो बीजेपी अपने पास ही रखने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि किस नेता को या किस सांसद को किस तरह से कैबिनेट में जगह मिलती है, क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी अपने पास टॉप 4 मंत्रालय रखने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि टॉप कमान अपने साथ रखें। अब देखना होगा, जिस तरीके से अगर हम इस शपथ ग्रहण की बात करें कि इसमें किन्हें कहां आमंत्रण दिया गया है शपथ ग्रहण के लिए, तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो 7 ऐसे देशों को शामिल किया गया है, आमंत्रण मिला है, न्योता मिला है कि वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, जिसमें श्रीलंका, मालदीव के साथ मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और सेशेल्स शामिल है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये तमाम पड़ोसी देश के साथ नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के बाद द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मैत्री संबंध को सुधारने का भी प्रयास होगा। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो G20 जैसे सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए तमाम, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रहे हैं और G20 में जो हमने सुरक्षा देखा था, सुरक्षा व्यवस्था, उसी तरह के सुरक्षा व्यवस्था इस सरकार को लेकर, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से तमाम सुरक्षा की व्यवस्था होते हैं और किस तरीके से फिर मंत्रालय दी जाती है, ये देखना अहम हो जाएगा। खासकर जिस तरीके से बिहार की बात करें तो ये अब नीतीश कुमार की पार्टी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, ये तो हालांकि कयास लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद किस नेता को या फिर कौन कौन से मंत्रालय दे देंगे, ये अहम हो जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आज शाम जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके साथ कितने सांसद मंत्रालय यानी कि कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये देखना अहम हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल।